बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपको टोटका बताया था कि अगर कमर में चुक पड़ जाए तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए ताकि आपको डॉक्टर तक जाने से पहले ही आराम आ जाए। फिर आपके बहुत से मैसेजेस आए जिनमें कहा गया कि गर्दन में अगर बल पड़ जाए, क्योंकि अक्सर बाज़ुकात गर्दन में बल पड़ जाता है, अब बिल्कुल गर्दन हिलाई नहीं जाती, तो उसका फौरी तौर पे हम क्या कर सकते हैं। अब मैं उसी की रोशनी में, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो पेशेंट था वो असल पेशेंट था, वो आया हुआ था और उस वक्त हमारा जो कैमरामैन है मौजूद था तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। आज ये जो साहब बैठे हुए हैं ये पेशेंट नहीं है, ये मैं सिर्फ डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ, ये डमी है, मैं डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ कि अगर किसी को गर्दन में बल पड़ जाता है तो उसको यूं घुमाना, ये यूं घुमाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि या तो वही फार्मूला कि आप स्प्रे लें, ये ड्यूडरेंट घर में पड़ा होता है, ये आप बगलों में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो या तो आप इसे कर सकते हैं 3-4 दफ़ा। लेकिन मैं इससे भी हट के एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ये भी हर घर में नहीं होता, अगर ठंडे पानी की बोतल कोई पड़ी हुई है आपके पास तो आप उसे यहाँ पे लगाएं, ये यूं करके लगाई रखें और हल्का सा इसको यूं घुमा दें, हल्का सा यूं। आप देखिएगा कि जूं जूं आप हल्का हल्का घुमाते रहेंगे ठंडी बोतल यहाँ पर लगाए हुए, ये बेसिकली आइस मसाज आप कह सकते हैं। और आइस का मसाज आप जब भी करते हैं तो या आइस पैड मिलते हैं वह बाज़ार से लेके अपने फ्रिज में रख लिया करें, या फिर आइस को शॉपर में डाल के आप लगा सकते हैं। बात होती है अवेलेबल नहीं होती या आइस की वजह से कभी इस वगैरह गीली हो जाने का ख़तरा होता है, तो फिर आप इसी किस्म की एक बॉटल ले लें, कोई भी बॉटल हो, और उसे आप, आइडिया ये है कि देखें ये जगह ठंडी हो गई है, ये अब जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो बेहतर हो जाएगा। और मेरे ख्याल में मतलब इट वुड डिपेंड कि ये 2 मिनट लगानी है 3 मिनट लगानी है, बट मेरे ख्याल में 2-3 मिनट के अंदर आपको जो बल होता है वो ठीक होता है। उसके बाद अगर घर के अंदर कोई भी पेन किलर मौजूद है वो खा लें, तो आम तौर पे इस मसाज को या जो बर्फ़ की टकोर है इसको रिपीट कर लें आधे घंटे में, फिर एक दफ़ा 2-3 दफ़ा, फिर भी ना फ़र्क पड़े तो यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर। तो ये एक छोटा सा टोटका है, ट्राई इट समडे। कई लोग बिल्कुल गर्दन यूं नहीं मोड़ रही होती और वो वेट कर रहे होते हैं कि शाम को डॉक्टर के पास जाना है, आप ये करके देखिएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।